हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्चना फैशन डिज़ाइनर। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एक बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत आसान और बहुत ही सुंदर सा बुनाई डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा, वर्टिकली चलता है ये, और कुछ कुछ ये केबल की तरह जाली के साथ बनता है। जैसा ऐसा लगेगा जैसे आपने केबल वाला डिज़ाइन बनाया है, केबल की तरह ही चलेगा जाली वाला, साथ में जाली भी आप इसमें डालेंगे तो बहुत ही सुंदर पैटर्न बन के आता है। अब देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको फंदे इसमें 5 के मल्टीपल में लेने होंगे, यानी कि 5 के बुने में 4 फंदे इसको आपको इसमें एक्स्ट्रा रखने होंगे डिज़ाइन को सेट करने के लिए, प्लस एज स्टिच का स्टार्टिंग में और लास्ट में। ठीक है, 4 फंदे आपको इसमें एक्स्ट्रा रखने हैं और 6 रोज़ में ये कंप्लीट हो जाता है। 6 सिलाइयों का डिज़ाइन है, 6 की 6 सिलाइयाँ आपको बहुत ध्यान से देखनी है, एक भी सिलाई आप स्किप नहीं कर सकते। स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट करके पूछेंगे कि आपने ये वाली सिलाई, ये वाली रो, ये वाला स्टिच कैसे बनाया। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, छोटा ही वीडियो बनाती हूँ वैसे तो मैं, तो बस देख लीजिएगा। तो अब देखिए, पैटर्न की जो फर्स्ट रो है वो है फ्रंट साइड से। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहला फंदा मैं यहाँ पर सीधा बुनूंगी, स्लिप नहीं करूँगी इस तरह से। तो ये एज स्टिच है लेकिन मैं इसको सीधा बनाऊँगी फर्स्ट टाइम। इसके बाद धागा मैं अपनी तरफ कर लूँगी। अब इसको रिपीट पैटर्न यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं 2 फंदे उल्टे बनाने वाली हूँ, 1 एंड 2। धागा पीछे लेकर जाएंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए, 1 2 3। ठीक है, अब ये जो 5 फंदे हमने बनाए, ये एज स्टिच को छोड़कर यही 5 फंदे हम बार बार रिपीट करेंगे। तो फिर से बनाएंगे धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2। धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2। धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2। धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। ये देखिए, फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हो गई। आ गए हम अपनी रॉन्ग साइड से सेकंड रो पे। तो पहला फंदा देखिए, पर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे इसको, धागा हम लेकर जाएंगे पीछे। तो यहाँ पे देखिए, जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है ना, इजीली, मतलब आसान शब्दों में बोलूँ तो जो फंदा जैसा दिख रहा है आपको वैसा ही बनाना है। तो देखिए, 2 फंदे सीधे, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर हमने 2 फंदे उधर उल्टे बनाए हैं तो वो 2 फंदे इस साइड सीधे बनेंगे, और जो 3 फंदे हमने उस साइड सीधे बनाए हैं वो रॉन्ग साइड से उल्टे बनेंगे। ठीक है, अपोजिट हो जाता है। अब धागा हम अपनी तरफ ले आए, यहाँ पे 3 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 2 3। तो एज स्टिच को छोड़कर ये जो 5 फंदे हमने बनाए, यही बार बार रिपीट करेंगे। धागा पीछे लेकर जाएंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2। धागा अपनी तरफ, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। धागा पीछे लेकर जाएंगे, 2 फंदा सीधा, 1 2। धागा अपनी तरफ, 1 2 3। धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2। धागा अपनी तरफ, देखिए रॉन्ग साइड से हैं हम तो एज स्टिच को हम उल्टा ही बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए 2 सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली, अब बची 4 सिलाई। 6 सिलाइयों को डिज़ाइन है, ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदा उल्टा, 2। अब देखिए, धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब ये जो 3 फंदे हैं, 3 फंदे पे डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए, ये जो 3 फंदे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, फिर देखिएगा भी। 3 फंदों से हम 1 फंदा कर देंगे। तो देखिए, 3 से 1 करेंगे तो यानी कि 2 फंदे हमारे घट जाएंगे, यानी कि लेस हो जाएंगे। तो 2 फंदे हमें सेम बराबर रहे तो यहाँ पे हमें बढ़ाने भी पड़ेंगे। तो इसलिए अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए जाली डालेंगे, इस तरह से धागा हमारा, जाली हम ऐसे डालेंगे कि धागा हमारा पीछे ही रहना चाहिए, क्योंकि हमें इन्हें सीधी तरफ से घटाना है। अब देखिए, डायरेक्ट हम ऐसे नहीं घटा सकते, हमें करना क्या है, स्टार्टिंग के जो 2 फंदे इनको हम ऐसे पकड़ेंगे और जस्ट इससे स्लिप करके और ऐसे पलट के रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये 2 प्लस 1, ये तीसरा, और तीनों को हम एक साथ लेंगे बैक लूप से। अब 3 का 1 कर देंगे इस तरह से, देखो कर दिया। अब इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अब देखो 2 रह गए। अब नेक्स्ट डिज़ाइन बनाने के लिए आप देखिए यहाँ पे, अब हम उल्टी साइड है ना, तो उल्टी 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, ये यहाँ से नेक्स्ट डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जाली डालते हुए देखो इस तरह से डिज़ाइन करेंगे, धागा हमारा अपनी तरफ होगा। देखिए
दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, वापस वही करेंगे। पहले डालेंगे इस तरह से एक जाली, एक फंदा बढ़ाया। अब देखो ये दो फंदों को हम इस तरह से लेंगे, ऐसे पलट देंगे, यानी कि जो फर्स्ट वाला स्टिच है वो हमारा पीछे आ गया और सेकेंड वाला आगे। तो ये देखिए इस तरह से बैक बैक लूप से हम इसको ऐसे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। फिर इस तरह से लाएंगे और ऐसे इसके ऊपर से निकालेंगे और दो फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे। और देखिए फिर साथ में ही यहाँ पे एक जाली डाल लेंगे और नेक्स्ट डिजाइन स्टार्ट करेंगे। इस तरह से देखो ऐसे पलट देंगे इसको और ये दो के साथ ये तीसरा वाला मिक्स करके यहाँ पे हम इसको ऐसे बना लेंगे, ओके। अब देखिए धागा अपनी तरफ लेंगे और इस तरह से एक जाली डालेंगे और दो फंदा उल्टा बनाएंगे। अब देखिए धागा पीछे लेकर जाएंगे, सीधी तरफ से है तो इसलिए एज स्टिच को हम सीधा ही बनाएंगे। देखिए तीन सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब आ गए हम फोर्थ रो पे, पहला फंदा स्लिप करके धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब देखिए फोर्थ रो में क्या है, हर बार आपको रॉन्ग साइड से क्या है, हर बार आपको यही करना है, एज स्टिच के बाद दो फंदा सीधा और तीन फंदा उल्टा। देखो ये जाली वाला फंदा है, ये नॉर्मल फंदा है और ये भी देखो जाली वाला फंदा है। दो फंदा सीधा और तीन फंदा उल्टा ही आपको बनाना है। देखिए दो फंदा मैंने सीधा बनाया, सीधा बोल रही हूँ, और 1 2 3, तीन फंदा उल्टा बनाया धागा पीछे, दो फंदा सीधा, 1 2, देखो दो फंदा सॉरी तीन फंदा उल्टा धागा पीछे, दो फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ इस तरह से इस फंदे को उल्टा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गए हम अपनी फिफ्थ रो पे, चार सिलाई हमने बना के कंप्लीट कर ली। फिफ्थ रो ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा स्लिप करके जो दो फंदे हर बार हम उल्टे बना रहे हैं ना सीधी साइड से, उनको उल्टा ही बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, तो ये जो जाली वाला फंदा है ना इसको तो हम पहले सीधा बना लेंगे इस तरह से। अब इन दो फंदों को हम 2 का 1 करेंगे, उससे पहले 2 का 1 करेंगे उससे पहले हम यहाँ पे ऐसे जाली भी डालेंगे और बस सिंपली इस तरह से 2 का 1 कर देंगे ऐसे, तो 3 के 3 फंदे हो गए। वापस आ जाएंगे यहाँ पे धागा अपनी तरफ लेके, दो फंदा उल्टा, 1 2, बैक जाएंगे, एक जाली वाला फंदा सीधा बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसे करके जाली डालेंगे और दो फंदे हम देखो ऊपर से फ्रंट साइड से ही बनाएंगे, फ्रंट लूप से, धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, जाली वाला फंदा जो है इसको सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके सॉरी नहीं करेंगे अपनी तरफ, इस तरह से एक जाली बनाएंगे और यहाँ 2 का 1 करेंगे एंड देन धागा अपनी तरफ करके दो फंदा लास्ट में जो बचा है उनको उल्टा बनाएंगे और जो फंदा सीधा है ना उसको सीधा बनाएंगे क्योंकि ये एज स्टिच है। सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड रो नंबर 2 रो नंबर 4 की तरह ही बनेगी। एक फंदा स्लिप करके दो फंदा सीधा धागा अपनी तरफ तीन फंदा उल्टा, देखो 1 2 3, धागा पीछे दो फंदा सीधा, 1 2। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा जो दूसरा चैनल है मेकअप वाला वो नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं DIY स्किन केयर हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोज बनाती हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह ये सारे वीडियोज बनाती हूँ, तो एक बार आप जाके देखिएगा, हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपको पसंद आए। तो जिस तरह से आपने मुझे यहाँ पे प्यार सपोर्ट दिया है उसी तरह से उस चैनल को भी प्यार सपोर्ट दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए एज स्टिच को ऐसे बनाएंगे उल्टा, चैनल को मेरे उस वाले को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हैं बस 1000 सब्सक्राइबर होने में, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, उसके लिए एडवांस में थैंक यू। तो देखिए जो 6 सिलाइयाँ मैंने आपको बताई है ना, बस आप यही 6 सिलाइयाँ मतलब बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे। देखो जब आप इसे ज़्यादा फंदों पे बनाएंगे ना, ये डिज़ाइन देखिए कितना 3D इफेक्ट देता है, आप देख सकते हो अबे कितना सुंदर और कितना प्यारा 3D इफेक्ट दे रहा है, सच में मुझे मतलब अमेजिंग, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन। आप इसे ना एक बार ट्राई जरूर करना, देखो कितना अच्छा उभार इसमें बहुत सुंदर बहुत प्यारा आ रहा है। फ्रंट साइड इसकी ये है और रॉन्ग साइड देखिए इस तरह से दिखाई देता है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, बॉयज़ के लिए मैं इसे ना फुल्ली रिकमेंड करूँगी इस डिज़ाइन को, तो करिएगा जरूर ट्राई इसको आप एक बार। और इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, स्कार्फ, मफलर कहीं भी डालिए, बहुत सुंदर लगेगा। और
और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं तो एक बार चैनल को बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा सभी के साथ। तो फिर चलिए बनाइए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।